हेलो गाइज, मैं हूं महेश। आप देख रहे हैं सिस्टेक बनाओ, फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी टाइम हो गया गाइज, इन्फिनिक्स ने बजट सेगमेंट में अपना कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया। सो फाइनली आज हमारे पास है इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 एडिशन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फोन है, क्योंकि ये फोन एक तो 10,000 से कम के प्राइस पर देखने को मिलता है या फिर उससे भी कम देखने को मिले, जहां पर आपको कुछ ऐसे खास फीचर देखने को मिलते हैं जो अभी के टाइम इस प्राइस बजट के अंदर मिल पाना काफ़ी मुश्किल है। ऑलमोस्ट 2 दिन से मैं इस फोन को यूज़ कर रहा हूँ और इस बीच इस फोन के साथ में जो चीज़ भी मैंने एक्सपीरियंस करी वो सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, जो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है अगर आप इस प्राइस बैंड के आसपास ऐसा कोई स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं। तो बिना टाइम गवाए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी एक क्विक अनबॉक्सिंग के साथ में और बॉक्स कंटेंट के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है, तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना। तो बॉक्स में आपको देखने को मिलता है मेन डिवाइस, एक यूएसबी टाइप सी केबल, 10 वोल्ट का एक चार्जर, इसके अलावा यूजर मैनुअल, सिम इजेक्टर टूल और लास्ट में एक ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस। और तो इन सबके बाद अब आते हैं अपने मेन डिवाइस के ऊपर, जहाँ सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके बिल्ड और डिजाइन की, तो गाइज एक चीज तो माननी पड़ेगी कि फोन की जो लुक्स है ना वो देखने में बहुत ही प्यारे हैं। फोन का रेयर पैनल काफी यूनिक डिजाइन के साथ में आता है, होने को एक प्लास्टिक बैक है बट देखने में बिल्कुल ग्लास वाला फील देता है। कैमरा मॉड्यूल भी इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है और अभी जो बॉक्सी डिजाइन वाला ट्रेंड चल रहा है वो भी आपको इस फोन के साथ में देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ इन हैंड फील की, तो डिवाइस 194 ग्राम के करीब है बट पकड़ने में आपको इतना हेवी फील नहीं होगा। 5000 एमएच की बैटरी होने के बावजूद वेट मैनेजमेंट काफी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी एकदम सॉलिड है। हाँ, रेयर पैनल के अंदर ग्लॉसी बैक होने की वजह से वहां पर फिंगरप्रिंट मार्क्स काफी जल्दी पड़ जाते हैं, तो ऐसे के अंदर आपको इसको एक केस के साथ में यूज करना पड़ेगा, जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही देखने को मिल जाता है। डिवाइस के अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करें, तो टॉप में 3.5 ऑडियो जैक आपको देखने को मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सिम ट्रे का ऑप्शन मिलता है जो कि एक डेडिकेटेड स्लॉट के साथ आता है, बॉटम साइड में प्राइमरी माइक टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ऑप्शन है, राइट हैंड साइड के अंदर वॉल्यूम रॉकर बटन और पावर बटन है जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का काम भी करता है। और इस प्राइस बजट में ये फीचर मिलना काफी बड़ी बात है, क्योंकि अभी जनरली जितने भी फोन इस प्राइस बजट में आपको देखने को मिलते हैं वहां पर आपको रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, बट ये फोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में आता है। और मैंने जितना इसको चेक करके देखा है ये काफी फास्ट है, काफी एक्यूरेट तरीके से काम करता है। नाउ इन सब के बाद अगर मैं बात करूं इस फोन के डिस्प्ले की, तो ये डिवाइस 6.67 इंचेस के फुल एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि एक पंच होल वाला डिस्प्ले है, जहां मार्केट में 15,000 के प्राइस पर भी आपको ड्रॉप नॉच वाले डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, ये फोन एक पंच होल डिस्प्ले के साथ में आता है। ऊपर से फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन को भी सपोर्ट करता है, तो 10,000 से कम के प्राइस पर ऐसा डिस्प्ले मिलना काफी बड़ी बात है। और रही बात डिस्प्ले क्वालिटी की, तो अभी तक जितना मैंने इसको टेस्ट किया है क्वालिटी बहुत ही सही देखने को मिलती है, कलर रिप्रोडक्शन काफी बढ़िया है, डिस्प्ले एकदम शार्प है, व्यूइंग एंगल्स भी काफी सही देखने को मिल जाता है। बॉटम के अंदर जो चिन का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसके अलावा बाकी जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो फोन का बहुत ही सही है। इसके अलावा डिस्प्ले में वाइड बैंड L3 का सर्टिफिकेशन भी है और प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आपको पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि फोन के साथ में कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको देखने को नहीं मिलता, तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक अच्छी क्वालिटी का टेम्पर्ड यहाँ पर यूज करें। इसके अलावा फोन के डिस्प्ले में कोई कमी नहीं है। अगर बात करूँ डिस्प्ले ब्राइटनेस की, तो ये डिस्प्ले 550 निट्स का पीक ब्राइटनेस भी सपोर्ट करता है, तो आउटडोर के अंदर यूज करने में डिस्प्ले के साथ में मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला, डिस्प्ले काफी अच्छे से विजिबल है। अगर बात करें साउंड क्वालिटी की, तो ये डिवाइस सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, डिसेंट टाइप की साउंड क्वालिटी, मतलब ना तो आप इसको ज्यादा लाउड बोल सकते हो ना ही आप इसको कम बोल सकते हो, मतलब किस तरह की क्वालिटी आपको देखने को मिलती है एक बार आप खुद सुन के देखो। तो देखा आपने, तो सिंगल स्पीकर के अकॉर्डिंग ठीक है। अब इसके बाद मैं अगर सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो इस फोन के साथ में आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील आएगा, क्योंकि ये फोन एंड्रॉइड 11 गो एडिशन के ऊपर आता है, जो कि XOS 10 के लाइटर वर्जन बेस है। और इसी लाइटर वर्जन होने की वजह से जो स्टोरेज है वहां पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स 64GB में से 52GB फ्री स्पेस देखने को मिलता है। ब्लॉटवेयर्स में इन्फिनिक्स के डिफॉल्ट एप्स को छोड़कर ब्लॉटवेयर्स ना के बराबर देखने को मिलते हैं। अब सॉफ्टवेयर में एंड्रॉइड गो एडिशन इस फोन के साथ में इसलिए दिया है ताकि जो फोन की परफॉर्मेंस है उसको थोड़ा एनहेंस किया जा सके, क्योंकि सॉफ्टवेयर लाइट होगा तो परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी। तो परफॉर्मेंस के लिए यहां पर आपको यूनिसोक टाइगर T610 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो आपको डिसेंट टाइप की परफॉर्मेंस ऑफर करेगा। आप इस डिवाइस का जो गीकबेंच स्कोर है वो भी यहां पर देख सकते हैं, काफी अच्छे स्कोर निकाल लेता है। और ये चिपसेट आप ऐसा मान के चलो कि मीडियाटेक का जो G70 है उसके सिमिलर परफॉर्मेंस आपको ऑफर करता है, और जितना अभी तक मैंने इसको टेस्ट किया है काफी अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करता है, काफी स्टेबल है, अच्छे से ऑप्टिमाइज भी किया गया है। ऐप लॉन्चिंग टाइम आपको थोड़ा सा स्लो लग रहा होगा, लेकिन जब आप ऐप को रीओपन
ओपन करते हैं तो वो काफ़ी फास्ट होता है। और सबसे अच्छी बात कि रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, मल्टीटास्किंग के टाइम आप एप्स के अंदर काफ़ी स्मूथली स्विच कर सकते हैं, तो डे टू डे टास्क आप इस चिपसेट के साथ में काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। अगर बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की तो BGMI में आपको स्मूथ प्लस अल्ट्रा सेटिंग देखने को मिल जाती है, मतलब 40 FPS तक का कॉन्स्टेंट गेम प्ले आप इस फोन के साथ में कर सकते हैं। और जितना अभी तक मैंने यहाँ पर इसको टेस्ट करके देखा है, डिवाइस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और गेम प्ले काफ़ी स्मूथ था, स्टेबल था। तो यस, जो हल्की फुल्की कैजुअल गेमिंग है वो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। हाँ, जायरोस्कोप के साथ में आप गेम प्ले नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको जायरोस्कोप का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। अगर बात करें हीटिंग इशू की तो 15 से 20 मिनट का गेम प्ले मैंने यहाँ पर किया था और उसके बाद डिवाइस का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो 45 डिग्री तक चला गया था। तो यस, डिवाइस गेमिंग के टाइम में हल्का फुल्का हीट करता है। बाकी सेम टाइम पर जब मैंने इसका CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करके देखा तो मुझे कोई थ्रॉटल देखने को नहीं मिला, तो फोन के जो थर्मल से वो काफी अच्छे हैं। हाँ, डिवाइस हीट करता है बट ओवरहीटिंग जैसा कुछ नहीं है। अब अगर मैं बात करूं बैटरी परफॉर्मेंस की तो इस डिवाइस के साथ में आपको 5000mAh की बैटरी दी गई है, साथ में आपको 10W का चार्जर भी देखने को मिलता है। अब चार्जिंग टाइम कैसा है ये तो अभी तक मैं चेक नहीं कर पाया, बट जितना मैंने अभी तक इस डिवाइस को यूज किया है, 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आपको इस फोन के साथ में आराम से मिल जाएगा बिना किसी इश्यू के। अगर बात करें नेटवर्क रिसेप्शन की तो ये एक 4G डिवाइस है, ड्यूअल वोल्टी को सपोर्ट करता है। करियर एग्रीगेशन का जो फीचर है वो आपको देखने को नहीं मिलता। अब कॉल क्वालिटी कैसी देखने को मिलती है तो डिवाइस सिंगल माइक के साथ में आता है, यहाँ पर आपको सेकेंडरी माइक का ऑप्शन नहीं मिलता है। बट जितना अभी तक मैंने इसको टेस्ट किया है, कॉलिंग के टाइम जो आउटपुट इनपुट है वो इस फोन के साथ में काफी अच्छे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज वो आता है कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर। गाइज, इस फोन के साथ में आपको गूगल डायलर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, तो आप बिना बताए सामने वाले की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये डिवाइस 4GB 64GB वेरिएंट है, जो रैम टाइप वो LPDDR4X देखने को मिलती है और जो स्टोरेज टाइप है वो EMCC का देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो स्टोरेज है उसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको डेडिकेटेड माइक्रोSD कार्ड का सपोर्ट भी इस फोन के साथ में देखने को मिल जाएगा। नाउ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपको वीडियो कहीं पर भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अभी फिलहाल के लिए बात करते हैं डिवाइस के कैमरास को लेकर। तो पीछे की तरफ 2 कैमरा सेंसर है विद सिंगल LED फ्लैश। प्राइमरी सेंसर 13 MP का देखने को मिलता है, इसके 2 MP का एक डेप्थ सेंसर है। तो अगर मैं बात करूं इस फोन के कैमरा परफॉर्मेंस की तो गाइस देखो, डीसेंट टाइप के कैमरा परफॉर्मेंस आपको यहां पर मिल जाती है क्योंकि बेसिक कैमरा सेंसर आपको मिलते हैं। जो प्राइमरी सेंसर है 13 MP का, उसके थ्रू मैंने कुछ फोटोज यहां पर कैप्चर किए हैं जिनसे आप जो क्वालिटी है उसका आइडिया लगा सकते हैं। डे टाइम में जितने भी फोटोज मैंने कैप्चर किए वहां पर जो डिटेल्स होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। स्किन टोन भी काफी अच्छे से मैनेज कर लेता है, कलर कंट्रोल भी काफी अच्छा है। पोर्ट्रेट फोटोज में एज डिटेक्शन को लेकर कैमरा को थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। एक चीज मैंने डिवाइस के कैमरा को लेकर नोटिस करी कि यहाँ पर फोकसिंग को लेकर थोड़ा सा इशू देखने को मिलता है, मतलब जो फोकसिंग वो इतना अच्छे से नहीं होता, इतना फास्ट नहीं है। कैमरा का जो UI है वो भी मुझे थोड़ा सा लेगी फील हुआ। कैमरा ऑप्शंस को सेलेक्ट करते टाइम आपको काफी बार मल्टी टच करना पड़ता है और कैमरा UI के अंदर जो फीचर है वो भी आपको थोड़े कम देखने को मिलते हैं। इवन जो शटर स्पीड है वो भी थोड़ा स्लो है, फोटोशूट करने में आपको थोड़ा सा मिली सेकंड का डिले देखने को मिलता है। तो कैमरा के ऊपर इन्फिनिक्स को थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। हालांकि इसका जो फीडबैक है वो हमने ब्रांड के साथ में शेयर कर दिया है, आई होप जो इशू है बहुत ही जल्दी फिक्स हो जाए। बाकी सेल्फी की अगर मैं बात करूं तो 8 MP का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलता है, जो कि अगेन ओके टाइप का परफॉर्म करता है। फोटोज के अंदर डिटेल्स बहुत ही कम होते हैं और हर बार जितने भी फोटोज आप लेते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट टाइप के होते हैं। स्किन टोन्स वगैरह और कलर कंट्रोल तो अच्छा है। हाँ, डे टाइम के अंदर जितने भी सेल्फी मैंने लिए वहां पर डिटेल्स काफी अच्छे हैं। और फ्रंट कैमरा में जो पोर्ट्रेट मोड दिया गया है वो इतना अच्छे से काम नहीं करता, पोर्ट्रेट फोटोज में एज डिटेक्शन को लेकर कैमरा को थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इन्फिनिक्स को यहाँ पर थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है, बाकी डिवाइस में कोई कमी नहीं है। अब इन सबके बाद में बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, आपको ये फोन लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए। तो गाइस देखो, अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूमशन के अंदर एक गुड लुकिंग फोन लेना चाहते हैं तो 9 से 10 हज़ार रुपए के प्राइस बजट में इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 एक काफी अच्छा ऑप्शन है। लाइक इस फोन में एक बड़ा डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, वो भी फुल HD+ रिजोल्यूशन के साथ में। ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक मॉडर्न डिस्प्ले मिलता है जो कि एक पंच होल डिस्प्ले है, जो अभी के टाइम कोई भी ब्रांड इस प्राइस बजट के अंदर ऑफर नहीं करता। परफॉर्मेंस भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है क्योंकि यूनिसोक का जो चिपसेट है वो काफी स्टेबल चिपसेट है। हल्की फुल्की कैजुअल गेमिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा जो बैटरी बैकअप है वो भी आपको काफी तगड़ा देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि फोन का जो डिजाइन है वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब कहीं से भी ये फोन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 10,000 रुपए का आपने फोन पकड़ा है। आपको डेफिनेटली 15 से 20 हज़ार के फोन वाला फील इस फोन के साथ में आएगा। हाँ, कैमरा के अंदर अगर बात करें तो थोड़ा बहुत इशू आपको देखने को मिलता है जो कि बहुत ही जल्दी फिक्स हो जाएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि डिवाइस में कोई भी कमी आपको देखने को मिलती है।
तो अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए या फिर घर के लिए या फिर ऑनलाइन स्टडी के लिए कोई स्मार्टफोन देख रहे हैं 9 से 10 हज़ार के प्राइस बजट में, तो इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फोन का जो इंट्रोडक्टिव प्राइस है 8999, आप इसको फ्लिपकार्ट के थ्रू बाय कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज ये था मेरा एक इनिशियल रिव्यू इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 को लेकर। आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस करी आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है, अगर आप इस फोन को लेने में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है। इस वीडियो के थ्रू हम एक छोटा सा गिव अवे भी करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर जो नॉइस के बर्ड्स प्राइमा है इनका गिव अवे करने वाला हूँ। गिव अवे की कंडीशन काफी सिंपल है, अगर इस वीडियो के ऊपर आप 500 लाइक का टारगेट पूरा कर देते हो तो आप में से कोई एक इन ईयरबड्स को जीत सकता है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक छोटा सा नीचे कॉमेंट कर देना, ताकि जब गिव अवे के विनर हम अनाउंस करें तो मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। बाकी वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इस फोन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि डिटेल रूम में हम उन पॉइंट्स को जरूर से कवर करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर भी इतना ही, मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।